पहलवान को तो वापस आना ही होगा, मैं लेके आऊंगा उसे। ओ बुड्ढे कहाँ है? कल के पेपर के हेडलाइंस आज ही पढ़ लो। चैंपियन टोनी से बैन हटा, टोनी इज बैक। इससे कुछ समझ में आया बुड्ढे? दुनिया सिर्फ जीतने वालों का साथ देती है, लेकिन अब तुम क्या करोगे? अरे हाँ, तुम्हारी तो बेकरी है ना, इतनी बड़ी बेकरी, मीठा बिस्किट, नमकीन बिस्किट। मौका से ज्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, इतनी ऊंचाई से गिरेगा चोट उतनी ही लगेगी। हाँ हाँ, यही तो समझा रहा हूँ तुमको। टोनी को हराओगे तुम अगले साल तक जिंदा रह पाओगे? हाँ, हो सके तो इसी साल एक बटर बिस्किट तैयार करके मुझे खिला दे। तब समझ में आएगा किसके कितने औकात है। कृष्णा चाय? नहीं। करीम भाई। हाँ। रमत मनेगा, इतनी रात को फोन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बोलो कृष्णा। करीम भाई, थोड़ा पैसा चाहिए था जैन के एडमिशन के लिए। अरे क्या बेटा, अपने जानों की फीस के लिए इतना क्या सोचना, सुबह ले लेना। थैंक यू करीम भाई, जल्दी लौटा दूंगा। करीम भाई, करीम भाई। हाँ। अरे करीम भाई क्या हुआ? अरे अभी कहाँ कुछ हुआ है, कैसा है किच्छा? आ रहा है ना बाहर पहलवान? ए, बहुत गुस्सा आ रहा है ना? नहीं, कोई बात नहीं, 4 साल इंतजार किया है, थोड़े दिन और कर लूंगा। पर उतरेगा तू अखाड़े में, वादा है, उतारूंगा तुझे अखाड़े में। मारने का मन कर रहा ना मुझे? मार। मारने नहीं राणा, बोलने आया हूं। राणा, मेरी खामोशी का मतलब यह नहीं कि मैं डर गया, मतलब है इज्जत। कुश्ती को कुश्ती में सामने वालों को इज्जत देंगे तो कुश्ती वापस हमको इज्जत देगी। अगर उस दिन मैं तुमसे हार गया होता तो भी एक बड़े पहलवान से हारा हूं सोचकर खुश रहता। खेल बड़ा है राणा, हम नहीं। मुझे कुश्ती सिखाने वाले अपने सरकार को वचन दिया हो कि मैं कुश्ती कभी नहीं लड़ूंगा, और दिए हुए वचन पड़ी को मैं। पहलवान की बाहर आने की आपकी सोच कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं। हाँ हेलो आरती। जी पापा। तुमने जो गैरेज बताया था ना बेटा? हाँ पापा। क्या नाम है उसका? पाशा गैरेज। पाशा गैरेज है ना? हाँ। सॉरी करीम भाई, मेरी वजह से। कोई बात नहीं कृष्णा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। कृष्णा, पैसे मांगे थे ना तुमने?
नमस्कार। नमस्कार। कहिए। मेरी गाड़ी में थोड़ा डेंट पड़ गया, जरा देख लेंगे क्या? जरूर, तशरीफ रखिए, देख लेता हूँ। सुलेमान, आपकी गाड़ी देख। कोशिश करो। हाँ, ताल मिली है शंकर भाई, चलता हूँ। हाँ ठीक है। कृष्णा, हाँ? एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेगा? पूछिए। जानू को इतने बड़े स्कूल में डालने की जरूरत है क्या? क्यों? तुम इतनी मेहनत करके कमाते हो, उसमें तो खोली का भाड़ा भी नहीं निकलता, ऊपर से इतना महंगा स्कूल। शंकर भाई, एक माँ अपने बच्चे को गोद में क्यों बिठाती है बोली? ताकि बच्चा भी वो सब देखे जो माँ देख रही है। लेकिन एक बाप अपने बच्चे को कंधे पे क्यों लेके जाता है पता है? ताकि बच्चा वो सब देखे जो वो नहीं देख पाता। और भैया, एक बाप के लिए बोझ नहीं खुशी है, और मैं तो स्ट्रांग फादर हूँ भैया, स्ट्रांग फादर। कृष्णा, तुम जैसे अच्छे दिल वालों का कभी बुरा नहीं हो सकता। माफ करना, पूछना नहीं चाहिए था। दूसरों को दे देकर ये हालत हो गई है मेरी। इस उम्र में जाकर पता चला कि ली कैसे जाती है। 40,000 दोगे तो काम करूंगा, वरना इससे कम में नहीं। ये बॉक्सिंग का एड है भाई, पैसे कम होते हैं। काम भी बहुत ज्यादा है भाई, और हम लोग कम है, इतने पैसे में नहीं हो पाएगा। ए चलो रे, चलो चलो। तुझे क्या चाहिए? वो काम मैं करता हूँ सेठ जी। कितने लोग हैं तेरे साथ? साथ में कोई नहीं, मगर काम मैं करता हूँ सेठ जी। उनको जो देने वाले तो वही दीजिए बस। अकेले कैसे करोगे? काम बहुत ज्यादा है यार। करूँगा सेठ जी, भरोसा कीजिए। मटेरियल उधर पड़ा है। हाँ सेठ, शुरू हो जाओ। हाँ, थैंक्स सेठ जी। ए पांडे। हाँ भाई। जा जाके देख कि ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने पैसे से बड़ा कभी किसी चीज को नहीं माना। इमोशन और रिलेशन को मैंने कभी कभी अहमियत नहीं दी। मुझे लगा था कि सिर्फ दौलत के लिए कृष्णा मेरी बेटी से शादी कर रहा है, लेकिन कृष्णा ने मुझे गलत साबित कर ही दिया। ये मत सोचे कि फिर से तकलीफ देने आए हो सर, मन में जो बातें बोलने आए हो। एक दिन मेरी बेटी दिखाई नहीं दी सर, सिर्फ एक घंटा। बहुत ढूंढा सर, कहीं नहीं मिली। एक 3 साल की बच्ची सर, सिर्फ एक घंटा। जब वो नहीं मिली तो मेरी जान निकल गई सर। तो जिस बच्ची को अपने 22 साल में पाला पोसा, अचानक मैं उसे लेकर गया तो आप पर क्या गुजरी होगी, आप समझ सकते हूं सर। मैं माफ कीजिए। तब मुझे समझ में आया सरकार, अहमियत इंसान की होती है, पैसों की नहीं। उस दिन जब मैंने आपसे झगड़ा किया था तो इसलिए नहीं कि वो मेरी बेटी से शादी कर रहा है, बल्कि इसलिए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो रहा था। मैं अच्छा बाप नहीं हूं सरकार, वो है अच्छा बाप, और उसकी परवरिश करने वाले आप हो एक अच्छे बाप। जानबूझकर की गई मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बस वो आता ही हो। ओके, टेक केयर। सर नमस्ते। नमस्ते पप्पू। किच्चा का कुछ पता चला? हाँ, अखाड़े में उसकी फोटो देखी थी, यही है ना? यही है, यही है सर हमारा किच्चा। सर क्या हुआ? हर साल होने वाले बहुत बड़े बॉक्सिंग टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट है, हमेशा ट्रॉफी तो हम ही जीतते थे, लेकिन शायद इस साल। सर वो फोटो साहब
ये तो बादशाह मैकेनिक की दुकान की फोटो है। इस मैकेनिक को तुम जानते हो? हाँ जानता हूँ। इसे जानते हो? कृष्णा है अपना। हाँ? ये लो, अपने घर के पास ही तो रहता है कृष्णा। हाँ एक मिनट। हेलो, this movie downloaded from desiremovies.email. स्थलीपुर में फिर से स्वागत है किच्छा। मुझे पता था तू आएगा, इसीलिए सारे पंचों को बुला लिया है। ए, सर उठाओ बे मुर्दो। उस दिन इसके जीतने पर बहुत तालियां बजा बजा के उछल रहे थे ना, मेरे कटआउट तक को रौंद डाला था। आज मेरी जीत होगी, घर घर गांव गांव में मेरी जीत का जश्न। जानू, ए कहां जा रहा है? बात कर रहा हूं ना मैं। वॉचमैन है मेरा। अच्छा चल एक बात बता, तू यहां बाप बन के आया है या पहलवान बन के? एक बाप अपनी बेटी को ले जाने आया है। तेरे सरकार ने तुझे पहलवान चाहिए मुझे। इससे मेरी कुश्ती बाकी है। क्यों बेकार नाटक कर रहा है बाप को दिया वचन निभाने का? बिन माँ बाप का अनाथ है तू। कहाँ मर गया तेरे अंदर का पहलवान? कहाँ है पहलवान? मर गया है ना पहलवान। मार दो। बाबा,
लगाने की सोचना भी मत, काट के रख दूंगा। यही गलती नहीं करनी चाहिए थी। एक ही हिसाब करना था तुमसे, लेकिन अब दूसरा शुरू हो गया। सोए हुए शेर को नहीं जगाना चाहिए था। जुल्म ना करने के लिए कहा था, जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए नहीं। ऐसे ही लोग होने चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में। वॉचमैन है सर।
क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? सरकार, आप इतने दिनों से हमसे मिलने क्यों नहीं आए? गलती हो गई बेटा, गलती हो गई। लेकिन पापा तो ये कहते हैं कि सरकार से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। पापा ने ऐसे बोला? हाँ। मैं पहले भगवान को नहीं मानता था, लेकिन अब मानने लगा हूँ। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन इस गधा के कारण मुझे अवसर मिला कि मैं आपके इस विराट रूप को देख सका। कृष्ण और कंस दोनों पहलवान थे। कृष्ण धर्म के लिए लड़े और कंस अधर्म के लिए। जिस इंसान को मैंने ट्रेन किया, जिसके लिए अपना खून पसीना बहाया, वही इंसान एक दिन कंस बनकर मेरे सामने खड़ा हो जाएगा, ये सोचा नहीं था मैंने। बॉक्सिंग के इतिहास में कलंक है वो। इस पूरे वाक्य को सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं स्वार्थी हूं, तो हां मैं स्वार्थी हूं, लेकिन इस कलंक को मिटाने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको बॉक्सिंग रिंग में आना ही होगा। पैसा मिलेगा? हाँ, बॉक्सिंग के तो पैसा मिलेगा। हाँ मिलेगा। पैसे कितने मिलेंगे? पता नहीं कितने मिलेंगे सरकार, लेकिन उन बच्चों के लिए पैसों की जरूरत है। बच्चे? बच्चे। उस दिन घर छोड़ के जा रहा था, तब पता था कि थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बहुत तकलीफ हुई सरकार। तकलीफ यानी कुली बनने में या गरीबी में नहीं सरकार, आपके बिना, कुश्ती के बिना बहुत तड़पा मैं। पापा, हाय। नींद नहीं आती थी सरकार, पूरी रात दौड़ता रहता मैं, शायद थक जाने से नींद आ जाए। समझता था कि मेरी तकलीफ ही बड़ी है, लेकिन जिंदगी ने उससे भी बड़ी तकलीफ से मिलवाया, उन बच्चों की। मैं खाना खा के आता हूँ। खाने की बहुत पड़ी है तुमको, पहले काम खत्म करो, उसके बाद ही खाने के बारे में सोचना। हाँ ठीक है। हाँ उठाओ जल्दी से, समझे क्या? सुशीला। अरे भैया। घर में बहुत परेशानी थी ना, बाबा के मरने के बाद हमें यहाँ आना ही पड़ा। शुरू में थोड़ी परेशानी हुई, उसके बाद तो आदत से पड़ गई। दौड़ना तो जैसे मैं भूल ही गई भैया। मुन्ना किधर है? वो नहीं है भैया। नहीं है मतलब? वो तो यहाँ आना भी नहीं चाहता था, कहता था काम नहीं करूँगा, क्रिकेट खेलूंगा, क्रिकेटर बनूंगा। एक दिन अम्मा उसे जबरदस्ती काम करने के लिए लेके आई, कहने लगा मुझे क्रिकेट खेलना है, कह के जोर से भागा। समाधि के बदले सड़क बनाया, बहुत दुख सहा है भैया, लेकिन अब तो आदत सी हो गई है। आप यहाँ कैसे? सुशीला। सर अभी आ रही हूँ। भैया सुपरवाइजर बुला रहा है। तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा भैया, हम लोग यही रहते हैं, आना कभी। चलती हूँ। हाँ सपने तो बड़े बड़े देता है भगवान, और साथ में भूख भी, फिर वही भूख सारे सपनों को जलाकर राख कर देती है। भैया इधर आओ।
मेरी एक बात मानोगे? बोलो भैया। किसी भी कमी के बिना तेरी अच्छी देखभाल करूंगा मैं, बस पहले की तरह दौड़ना है तुझे। मेरे साथ चलो, मैं ख्याल रखूंगा। जाने दो भैया। क्यों, भरोसा नहीं है मुझ पे? आप पर तो पूरा भरोसा है भैया। तो फिर ये सब लोग भी हमारी तरह खेल में बहुत अच्छे हैं भैया। ये दिव्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की खो खो प्लेयर थी, और वो श्रुति कबड्डी प्लेयर। ये है महेश डिस्ट्रिक्ट लेवल का वॉलीबॉल प्लेयर। लेकिन दुर्भाग्य से हम प्लेयर से लेबर बन गए, इनके बिना कैसे आऊं? आप पर भरोसा है, भाग्य पर नहीं। तुम्हारा मन साफ है जो इसके सपनों को पूरा करना चाहते हो। इस बस्ती में इतने बच्चे हैं तो पूरे देश में कितने होंगे? उन सबके सपनों को कैसे पूरा करोगे? भूखे को रोटी नहीं, रोटी वाले को भूख नहीं। ऐसे हजारों बच्चे हैं सरकार, एक से एक होनहार, छोटे छोटे से, जो दो वक्त की रोटी के लिए अपने सारे हुनर को, सारे सपनों को वक्त की भट्टी में झोंक देते हैं। बहुत दुख होता है देखकर। जब तक इंसानियत है कोई अनाथ नहीं हो सकता। इंसान होना सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीना है, ये सबक तो बचपन से मैंने आपसे सीखा था सरकार। मेरे बॉक्सिंग की कमाई से अगर कुछ बच्चों का भविष्य बदल सकता है तो मैं जरूर करूंगा। अगर आप मान जाए। मैंने तुमको सिर्फ कुश्ती लड़ना सिखाया, लेकिन कुश्ती